आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 कवर करेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से मैंने सबसे जो डिफिकल्ट आपको लग सकता है वो क्वेश्चन मैंने उठाया। थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। पहले तो आपको देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। फैक्टराइज करना है तो आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। कौन सी लगेगी? क्यूब दिख रहा है, इसका मतलब क्यूब वाली। अब क्यूब कितने हैं यहाँ पे? तो 1, 2, 3, 3 क्यूब्स वाली आइडेंटिटी है। अब ये कैसे कैसे ढूंढेंगे कि कौन सी लगेगी? ये तो हो नहीं सकती, इस टाइप का कोई टर्म हमको दिख नहीं रहा है, कैंसल। या तो ये होगी या तो ये होगी। अब देखना है कि यहाँ पे प्लस है क्या? नहीं। माइनस है? हाँ प्लस है, लेकिन माइनस अगर है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। और इसको अगर प्लस वाली आइडेंटिटी से लगाना है तो वैसे भी मैं बता सकती हूँ, पर अभी माइनस वाले से देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन को अगेन लिख लिया यहाँ पे, और मैंने आपको बताया कि मैं आइडेंटिटी नंबर 6 लगा रही हूँ, इसलिए मैंने आइडेंटिटी भी लिख दी। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हेर फेर किया है। कैसे? मैंने लेफ्ट को राइट में लिखा है, राइट को लेफ्ट में लिखा है, ठीक है। दूसरी बात ये की है मैंने कि ये टर्म्स को भी आगे पीछे कर दिया है मैंने। क्यों किया है वो समझो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर ये वाला टर्म और फिर ये वाला टर्म। अच्छा मैं यहाँ प्लस लगाना भूल गई, हाँ ठीक है। तो फिर ये वाला टर्म लास्ट में लिखा। ऐसा क्यों किया? मैंने जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था उस फॉर्मेट में आइडेंटिटी को चेंज करके लिखा है। देखो यहाँ क्यूब क्यूब और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर वाली, यहाँ माइनस माइनस तो माइनस माइनस और यहाँ प्लस, तो ऐसे मैंने इसको चेंज करके लिखा है। आइडेंटिटी वही वाली है, टर्म्स को तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमने क्वेश्चन लिखा, अब हम इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक, और फिर उसको हम इस फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे लास्ट में। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 कितने का क्यूब है ये याद करो पहले, 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 1/1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और 216 का क्यूब है तो हम 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, हमारा काम यही तो है। हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, बाकी तो मैं कुछ करती ही हूँ आगे। मैं कभी भी इधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, मैं सीधे ए बी की वैल्यू देख के पुट कर देती हूँ। अभी तक के आपने क्वेश्चंस भी देखे होंगे, है ना, तो वही करना है आपको। तो माइनस लगा दो 3, ए की वैल्यू 3p, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी की वैल्यू 1/6, फिर प्लस प्लस है ना यहाँ पे प्लस 3, ए की वैल्यू 3p और बी की वैल्यू 1/6 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ दिमाग लगाना है कि ए और बी क्या होगा, बाकी सब कहानी आप देख कर लिख लोगे, ठीक है। आइडेंटिटी को देखते जाना और इधर से वैल्यू को पुट करते जा, बस स्टेटमेंट पे डाल देंगे। द फैक्टर्स आर 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। फिर से वही बात कि मैंने यहाँ आर क्यू लिखा है क्योंकि क्यूब है, इसका मतलब इसी को मैं 3 बार लिख सकती थी, पर एक साथ लिख दिया है, पर है तो 3 ना। किसी में प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, किसी में माइनस वाली लगेगी, ठीक है, आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब ये डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है एक वैसे तो, लेकिन ये मैंने आपको लिखवाई नहीं है, आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये कैसे, मतलब ये ऐसा कैसे हो जाता है। तो मैं ये आइडेंटिटी यहाँ से देख करके आपको करवा रही हूँ। देखो क्यूब क्यूब वाली आइडेंटिटी, तो क्यूब क्यूब कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। या तो ये वाली, दोनों में से एक आइडेंटिटी लगेगी। मैं प्लस वाली आइडेंटिटी से लिखना सिखाती हूँ, ठीक है। और जहाँ जहाँ ए बी है ना, वहाँ वहाँ मैं यहाँ एक्स वाई लिखूंगी, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, तो आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी। ए बी लिखूंगी तो कन्फ्यूज हो जाओगे पूरे, है ना, तो इसलिए क्वेश्चन आइडेंटिटी नंबर 5 लिखते हैं। सिंस एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, जैसी हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती है वैसे ही हम क्वेश्चन मतलब आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या बोल रही है अभी कि मुझे आइडेंटिटी को ऐसे लिखना चाहिए, ये मैंने खुद ही लॉजिक लगाया, ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे लिखोगे। यानी मैंने देखो चेंज कर दिया ना, फिर से इसको इधर ले आई मैं, ठीक है, और ए बी की जगह एक्स वाई किया है बस। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, ध्यान से देखो, थ्री थ्री कॉमन है, एक्स एक्स कॉमन है, वाई वाई कॉमन, निकाल लो, बाहर कर दो। यहाँ पे एक एक्स बच गया, लिख दो, यहाँ पे एक वाई बच गया, लिख दो। लिख दिया हमने, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आइडेंटिटी थी, है ना, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एन आइडेंटिटी, और इसी आइडेंटिटी का यूज हमने किया और अब हम सॉल्व करते हुए इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया, अब आपके क्वेश्चन में जो लेफ्ट साइड है इसको ध्यान से देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है हमारे पास भी आ गया। अब अगर मैं इसको इस साइड में ले आऊँ तो ये जैसा का वैसा बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रही हूँ, नहीं तो मैं इसको एक स्टेप स्किप कर देती। अभी मैंने क्या किया, इसको वही रहने दिया, इसको इस साइड लेके आई तो माइनस हो गया। अब आपको पता है ना, लेफ्ट को इधर लिखो उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं इसको इस साइड लिख देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई। मतलब कुछ नहीं किया, इसको इधर लिख दिया, इसको उठा के इधर लिख दिया, बस। अब सॉल्व करना है, हमको इसकी वैल्यू इसके इक्वल लानी थी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, क्या दोनों टर्म में कुछ कॉमन है ना, एक्स प्लस वाई कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ पे तीन बार है, तो एक बार बाहर निकाल लेंगे, बाकी दो बचे हुए अंदर लिख देंगे। तो हमने क्या किया, x प्लस वाई को कॉमन ले लिया, और जो अंदर बच गया क्या बचा, देखो x प्लस वाई ये तो पूरा ही निकल गया, और यहाँ में से एक निकला, तो अभी दो बच गए स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्री एक्स वाई, यहाँ का x प्लस वाई तो बाहर निकल चुका है ना, तो बचा क्या वहाँ पे। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फर्स्ट ब्रैकेट जैसे कि वैसे लिखो, सेकंड ब्रैकेट में आप क्या करोगे, आइडेंटिटी लगा दोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, माइनस थ्री एक्स वाई जो दिया हुआ था वो भी लिख लो। अब आप बोलोगे मैम आप बोलते कुछ हो लिखते कुछ हो, मैंने ए बी के फॉर्मेट में आइडेंटिटी बोली आपको समझाने के लिए, ये वाली आइडेंटिटी थी वो, है ना, ये वाली, पर लिखा मैंने जो क्वेश्चन में था वही, है ना। तो आपको मेरे शब्दों पे भी ध्यान देना है और मैं लिख रही हूँ उस पे भी ध्यान देना है कि क्या बोल रही हूँ। ध्यान से देखो, ये हो गया, इसको कॉमन ले लिया, इसको एक्सपेंड भी कर दिया आइडेंटिटी को, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये देखो एक्स स्क्वायर, हमको ना ये भी ध्यान देना है, टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा, कैसे, थ्री माइनस टू वन, वन को तो लिखते नहीं हैं, और बड़े नंबर के सामने माइनस था तो माइनस, और एक्स वाई तो है ही है, ठीक, और वाई स्क्वायर आ गया, देखो आ गया राइट साइड, बस यही करना था। तो देखो हमने इसको प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटी कुछ और ही लगाई, सॉल्व करते करते कुछ और ही बन गया, तो हमारा आंसर जो है ये प्रूफ हो चुका है, हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे वेरीफाई बोला था ना उसने, तो आप यहाँ वेरीफाइड भी लिख सकते हो, वेरीफाइड, ठीक है। ऐसे करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है कंप्लीट हो गया है, इसके बाद कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसके 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, इसका भी एक क्वेश्चन बचा है, आप उसको खुद से बनाओगे, ठीक, और उसमें क्या क्वेश्चन दिया है देख लेना, शायद उसमें आइडेंटिटी नंबर 6 लगेगी, यहाँ मैंने 5 लगाई ना, उसमें 6 लगेगी, ठीक है, तो ट्राई करके देखना, बन जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।